जी दोस्तों नमस्कार, आप देखो जीएसएम ऑनर मैं हूं का। यहां पर ऐसा नहीं, इंट्रो आपने देख लिया है, टाइटल आपने देख लिया है, पता आपको चल गया मी मैक्स 3 की अनबॉक्सिंग होने वाली है। अगर तो आप ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हो कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पर मैंने आपको बता दिया था। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी एक गिव अवे चल रहा है जो कि नोकिया X5 का, ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नए हो। हम मिलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे और करेंगे अनबॉक्सिंग इस MI Max 3 की आगे। Max डिवाइसेस हमेशा अपने साइज के लिए जानी जाती हैं, चाहे आप Max 1 या फिर 2 की बात कर लो। काफी मेरे दोस्त है जिसमें जो मेरा दोस्त है जग वोल्वो कर, काफी बार उन्होंने पूछा था कि आकाश भाई Max 3 कब आ रहा है कब आ रहा है। तो ये लास्ट जुलाई में यानी कि पिछले महीने लॉन्च हो गया था चाइना में। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं 1699 युआन यानी कि ऑलमोस्ट 17,500 प्राइस होगा, 4GB 64GB का अगर चाइनीज में प्राइस की बात करता हूँ, और 6GB 64GB का होगा ऑलमोस्ट 20,500। तो यहाँ पर मेरे पास डिवाइस है 4GB 64GB वाली, और आपको पता होगा कि इसमें स्नैपड्रैगन 636 मिलता है जो कि सेम Redmi Note 5 Pro में यूज किया गया है। पर यहाँ पर लास्ट वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, कैमरा सैंपल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि अभी मैं जो अनबॉक्सिंग करता हूँ हमेशा डिवाइस को यूज करके 2-3 दिन, ताकि आपको हल्का सा रिव्यू भी मैं दे सकूँ। तो यहाँ पर जो बॉक्स है व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड कलर का यहाँ पे लिखा गया है Max 3। बाकी बॉक्स की जो इन्फो है और पीछे जो इन्फो है आप देख पाओगे, और यहाँ पर 4GB 64GB भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मेन कंटेंट लिखा गया है कि यहां पर 6.9 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी 80:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसकी बात आगे करेंगे, और बैटरी है यहां पे 5500 mAh की। तो यहां पर अगर बॉक्स को ओपन करता हूं डिवाइस देखने को मिलेगी, नीचे पेपर वर्क देखने को मिलेगा, उसके बाद एक चार्जर है जो कि फास्ट चार्जर है, 5V 3A 9V 2A और 12V 1.5A का, और लास्ट में यहां पे हमें देखने को मिलेगी टाइप सी केबल जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी अपने फास्ट चार्जर के साथ। तो अगर आते हैं यहां पर डिवाइस की हम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की तरफ, तो यहां पर डिवाइस का पैनल काफी बड़ा है, काफी यहां पे आपको बड़े हाथ चाहिए इस डिवाइस को हैंडल करने के लिए। मेरे लिए डिवाइस नॉर्मल है पकड़ना, आप देख पाओगे क्योंकि काफी बड़े हाथ है मेरे। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, जैसे मैंने आपको बताया 6.9 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी जो कि IPS LCD पैनल है, 80:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी, क्या रेजोल्यूशन है, क्या PPI डेंसिटी है, और क्या यहाँ पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में जो कैमरा दिया गया है वो है 8 MP का, अपर्चर उसका 2.0 होगा, और जो सेंसर साइज है वो है 1.12 माइक्रोमीटर। उसके बाद यहाँ पर फुल HD के साथ आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि 30 FPS के ऊपर होगी, और यहाँ पर HDR की सपोर्ट मिल जाती है, फ्रंट फ्लैश भी आपको मिल जाती है जो कि हार्डवेयर में है, आप हमेशा पूछते हो, LED नोटिफिकेशन लाइट आपको यहां पे मिल जाएगी। और बाकी अगर मैं बात करता हूं राइट साइड की, वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में हाइब्रिड सिम ट्रे आपको देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ 3.5 mm हैंडसेट पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि काफी बढ़िया बात है, टाइप सी के साथ आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा, IRDA ब्लास्टर देखने को मिलता है, सेकंड नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ यहां पर आपको दो ग्रिल नजर आएंगी जिसमें एक माइक और एक स्पीकर है, और साथ में यहां पे सेंटर में टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि फास्ट चार्जिंग और फास्ट डेटा ट्रांसफर भी सपोर्ट करेगी। पीछे की तरफ अगर आते हैं ऊपर नीचे आप एंटीना बैंड लाइन देख पाओगे, फिंगरप्रिंट सेंसर देख पाओगे, MI की ब्रांडिंग है, और जो मेन कैमरा है यहाँ पे सेटअप आप देख पाओगे सिंगल LED टोन फ्लैश के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मेन कैमरा जो है 12 MP का, अपर्चर 1.9 है, ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस आपको देखने को मिलेगा जो कि डिवाइस में बढ़िया बात है, फोकस इसका काफी बढ़िया होगा अगर कंपेयर करते हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ। और जो इसका सेंसर साइज है वो है 1.4 माइक्रोमीटर जो कि Nokia 7 Plus में भी सेम दिया गया है। अगर मैं आता हूँ सेकेंडरी कैमरा में, वो 5 MP का एपर्चर 2.0 है, और सिर्फ वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है उसका, और कोई भी काम नहीं है। डिवाइस में आपको स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिल जाएगा, और अगर मैं बात करूँ
इसके सीपीयू की क्रियो 260 और जीपीयू यहां पे 509 एड्रीनो का देखने को मिलेगा, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के ऊपर। यहां पे 4GB 64GB वाला हमारा ये वेरिएंट है और मैंने यहां पे अंतुतु वगैरह की टेस्टिंग सभी की है। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, डिवाइस में आपको MIUI 9 प्री इंस्टॉल मिलेगा, बाकी एंड्रॉयड ओरियो मिल जाएगा और बाकी सारी इन्फो आपके सामने है। तो चलिए बाकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी, यहाँ पे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग सब आपने देख लिया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, इस डिवाइस के जो कैमरा सैंपल्स हैं मैं जी ड्राइव पे अपलोड करूँगा, आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। और जल्दी ही इसका कैमरा रिव्यू Redmi Note 5 Pro, Nokia X6 और दूसरी डिवाइसेस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिवाइस को 3 दिन मैंने यूज़ किया, जिसमें मैंने गेमिंग वगैरह काफ़ी की है, पबजी को खेला है। यहाँ मैं चाइना में 2-3 तरह की पबजी आती है, एक तो इंटरनेशनल वर्जन है, 2 चाइनीज वेरियंट हैं, तो सबको मैंने खेला और काफी बढ़िया यहाँ पे डिवाइस की परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्पीड की, तो मैंने अभी तक कोई स्पीड टेस्ट तो नहीं किया, पर बेंचमार्किंग की यहाँ पे मैंने रैंकिंग को चेक किया है, कंपेयर किया है मैंने Redmi Note 5 Pro और Nokia X6 के साथ। अगर मैं बात करता हूँ अंतुतु की, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है Max 3 का 119,126, अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 5 Pro की 115,979, और अगर मैं बात करता हूँ Nokia X6 की 114,390। उसके बाद यहाँ पे Geekbench में मैंने इसको टेस्ट किया है, जिसमें CPU GPU को सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU को अलग से हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Mi Max 3 की, तो सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर आप देख पाओगे 1327, 4894, और अगर Redmi Note 5 Pro की बात करूं 1331 और 4925, और अगर Nokia X6 की बात करूं 1344 और 4872। तो यहां पर पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप देख पाओगे कि सेम चिपसेट है, कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता, चाहे ये डिवाइस का साइज कितना बड़ा है और चाहे Nokia X6 का डिवाइस का साइज कितना छोटा है, और उसमें एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड हमें देखने को मिल जाएगा। पर यहां पर अगर मैं GPU की बात करूं, जो हमने टेस्टिंग की है, उसके जो रिजल्ट आए हैं, Mi Max 3 का जो रिजल्ट है वो है 4595, और अगर मैं बात करता हूं Redmi Note 5 Pro की 4575, और अगर Nokia X6 की बात करें तो यहां पे 4530 स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों डिवाइसेस सेम चिपसेट के साथ आती हैं और ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है। और जल्दी इसका एक स्पीड टेस्ट आएगा, मैं कोशिश करूंगा तीनों डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट करूं टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि हम देख पाएं कौन सी डिवाइस कितने टाइम में कितनी एप्लीकेशन को, रैम मैनेजमेंट को झेल पाती है या कैसे उसे हैंडल कर पाती है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं फिर एक बार कि हमारे चैनल के ऊपर जो गिववे चल रहा है Nokia X5 का, लास्ट वीडियो हमने की थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो या फिर चैनल के ऊपर देख लीजिए, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस बार जो गिववे है इंस्टाग्राम के ऊपर हैंडल किया जाएगा, ताकि जो विनर है लेजिट हो, यूट्यूब की मैसेजिंग ऐप बंद हो चुकी थी। यहां पर अगर मैं इस डिवाइस के ऊपर दोबारा आता हूं, तो मैं फिर आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन होंगे कि मैंने चाइना से कैसे खरीदा, तो भाई चैनल को देख लो, पता चल जाएगा। मैं चाइना में रहता हूं, तो यहीं पे डिवाइसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन बाय करता हूं, और पहले भी बोल चुका हूं कि मैं वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए एक व्लॉग टाइप में, ताकि आपको सारा समझा सकूंगी, अगर आप चाइना में रहते हो या आउट ऑफ चाइना हो, कैसे आप डिवाइसेस बाय कर सकते हो एक बढ़िया प्राइस में अगर आप लेना चाहते हो। तो यहां पर मैं जल्दी एक वीडियो बना रहा हूं, यहां पर इस प्राइस सेगमेंट में हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। मैं अपने खुद रिव्यू दूंगा और जल्दी ही और डिवाइसेस के भी रिव्यू आपके लिए आने वाले हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी, जल्दी ही और डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग आपके लिए आ रही है। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि उनको भी पता चल सके कि Mi Max 3 की अनबॉक्सिंग आ चुकी है, वो भी हिंदी में। हम मिलेंगे जल्दी ऐसी नई टेक्निकल वीडियो में, बट उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना है अगले गिवअवेज के लिए, और हम क्या करते हैं बैकग्राउंड में आपके लिए आप वहां पे देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए कोई क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और अपने सुझाव देना भी मत भूलिएगा। मैं हूं का यहां पर ऐसा नहीं, खुश रहिए।